है ये, कोई बात नहीं, ये एक बार आता है। चलो बताओ, एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट, सॉल्ट, वाटर। ग्रेफाइट ऑलमोस्ट ग्रेफाइट सबको मालूम है ग्रेफाइट ही होता है। कह रहा है इफ द, देखो ये जनरली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज्यादा है, इम्पोर्टेंट ज्यादा होने की एक इसकी भी एक जरूरत है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये प्री बोर्ड में भी आ चुका है लगभग, हाफ ईयरली में भी पूछा जा चुका है लगभग, और एक इन्होंने सैंपल पेपर भी डाला था, वहां भी ये क्वेश्चन था। कौन सा वाला? CSCL से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसको बिल्कुल मत भूलना। और जैसा आप देख पा रहे होगे 2020 में तो ये आया ही था, तो इसका अपने आप में एक क्राइटेरिया बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो जरा क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS+ इन CSCL इज 8, अगर CS+ का कोऑर्डिनेशन 8 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्लोराइड आयन मतलब Cl- का कितना होगा? बोलो कितना होगा? 8, 4, 6, 12। एट एट ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना कुछ भी, एकदम क्लियर करके चलना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ज्यादा फोकस करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की जो डेंसिटी होगी जनरली वो क्या होगी बताओ? डिक्रीज डिक्रीज, डज इंक्रीज, नॉट चेंज रिड्यूस, डज नॉट चेंज डज नॉट चेंज। वेरी गुड। देखो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन वो नहीं रखना है, डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होगा जब हम डेंसिटी की बात कर रहे होंगे। किसमें? फ्रेंकल डिफेक्ट में। डिक्रीज होती है शॉटकी डिफेक्ट में, तो ये डाउट अपने माइंड में प्लीज मत रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? ऑल यस राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तो जनरली यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जांपल, शॉटकी डिफेक्ट का एग्जांपल, ये आप याद रख लीजिए या फिर आप रट लीजिए, कहूंगा सीधे सीधे तो, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट के एग्जांपल्स, और वो कॉमन एग्जांपल जनरली याद रखना। तो बताओ फ्रेंकल डिफेक्टेड डिफेक्ट इज नॉट शोन बाय, कौन है जो शो नहीं करता फ्रेंकल डिफेक्ट? बताएं केबीआर भाई। केबीआर वेरी गुड, KBR शो नहीं करता, ZNS, AGBR, AGCL ये फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। अगर हम बात करें इन NaCl क्रिस्टल नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस आर, मतलब जो अपोजिट आयन्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस में कितने चार्ज आयन हो सकते हैं, मतलब उनका हाँ नंबर बताना है NaCl के केस में कितने होंगे? 8, 6, 4, 2। सिक्स वेरी गुड, 6 होंगे यहाँ पे, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्या होगा? डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन, सिलिकॉन। ग्रेफाइट वेरी गुड, ग्रेफाइट, बिकॉज डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन ये सब क्या है? कार्बन ही है, लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है किसका? गुड कंडक्टर होने का, बाकी सारे क्या होते हैं? बैड कंडक्टर, इसलिए राइट आंसर ग्रेफाइट होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रेफाइट दिख रहा तो ग्रेफाइट मारते चले जाओ, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे देता है, तो वहां भी याद रखना है। जनरली एक बात है एमपी बोर्ड में कि वो क्वेश्चन जल्दी चेंज नहीं करता, लेकिन अगर करता है तो आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है, देन आपको आंसर करना है, ये बात मेरी गांठ बांध लो। ठीक है, आगे चलते हैं। जी नंबर पे कह रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 आयन इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज, बताओ Ca+2 फ्लोराइड में CaF2 के केस में, फोर एट सिक्स एट थ्री। एट एट चलो वेरी गुड, 8 है इसका राइट आंसर, बहुत अच्छा कर रहे हो। आगे आते हैं, 8 रेशियो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इज फाउंड इन विच कंपाउंड, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें 8 रेशियो 8 मिल रहा है? सीएससीएल सीएससीएल CSCL, देखो घूम घूम के आएगा आपके पास, घूम घूम के आएगा, हर तरह से घूमेगा और CSCL देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ CSCL को तो छोड़ना ही नहीं है, CSCL को छोड़ना ही नहीं है। उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो, उनके एटम के, उनके आयंस का, ये सारा आपको याद रखना है। आपको कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC इज, BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? ठीक एट 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 है, 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जो जनरली आपको सिलेबस में कराई नहीं जाती है, लेकिन ये पूछी जरूर जाती है, ब्रैग्स इक्वेशन। बताएं ब्रैग्स इक्वेशन क्या है?
एन लैम्डा टू डी साइन थीटा, टू डी साइन थीटा, ओके एन लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो कितने बढ़िया, ये फाई बना हुआ है तो कई लोग फाई निकाल के आ जाएंगे वहां पे सीधे अटैम्प करके, ठीक है। कई लोग कहेंगे ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एन थीटा इक्वल टू से डी साइन थीटा ये भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, एग्जैक्ट याद रखना है एन लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये ब्रैग्स इक्वेशन का एग्जैक्ट फॉर्मेट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर के, नंबर ऑफ सोडियम एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ NaCl इज, NaCl में Na कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4 कितने होते हैं? 4, चलिए 4 राइट आंसर है यहां पे, और ये 2012 में आया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं आ सकता, आ सकता है, तो बस हमें क्या करना है कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस आर आयरन कोबाल्ट निकल, ये तीनों कैसे सब्सटेंस हैं? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और किसी को क्या लगता है बताएं भाई? मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सभी को यही लगता है। तो देखो आयरन से याद रखना, आयरन Fe है तो Fe से फेरो ही होगा, बस ये याद रखो। कैसे ये क्यों कह रहा हूं ये मत सोचो, Fe से फेरो याद रखो, याद रहेगा, ठीक है। आयरन जल्दी चिपकता है चुंबक, चुंबक में, मैग्नेट में, बस ये याद रखो, ठीक है। तो 12 और 18 दोनों में आया है, ठीक है, तो 22 में भी हो सकता है। द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, AgCl, वेरी गुड, AgCl इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा कर रहे हो। ड्राई आइस इंपॉर्टेंट डालो, प्री बोर्ड में आया था और आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है। ड्राई मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है, सॉलिड भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्रिस्टल लिखा हो सॉलिड लिखा हो डजंट मैटर, बात वही कह रहा है, क्योंकि सॉलिड्स जनरली क्रिस्टल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक का रिस्पांस बहुत अच्छा है तुम लोगों का, काफी अच्छा लग रहा है तुम्हारी तैयारी देखकर, बस पेपर से डरना नहीं, जो भी आए उसको एक बार बहुत शांति से पढ़ लेना और फिर आंसर करना। कह रहा फॉर इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी इन अ सॉलिड क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज इज नोन एज, उसमें हम डोपिंग से याद करो, जो एथलीट होते हैं उन लोगों पर डोपिंग का ही तो केस होता है, वो जनरली क्या करते हैं अपना स्टेमिना बूस्ट करने के लिए डोपिंग कर लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर क्रिस्टल की हमें इंक्रीज करनी है तो बाहर से हमने फॉरेन एलिमेंट ऐड, हाँ जनरली इम्प्योरिटीज की जगह वर्ड यूज हो सकता है फॉरेन एलिमेंट, तो अगर एक कोई क्रिस्टल है तो उसके लिए हर एक आने वाली थिंग्स क्या हो जाएंगी, फॉरेन एलिमेंट ही होंगी, और उनकी इस प्रोसेस को हम डॉपिंग ही कहेंगे। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल डेंसिटी इज, बताओ यूनिट सेल डेंसिटी का फॉर्मूला, ZM upon A cube N naught, very good, N naught, देखो यहाँ पर हिंट दे रखी थी मैंने, N naught को ही NA भी बोलते हैं कई बार, तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमने तो ये पढ़ा था वहां ये दे दिया हम कंफ्यूज हो गए, तो NO दिया हो वो भी अवोगैड्रो नंबर है, NA दिया हो वो भी अवोगैड्रो नंबर है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई पर, और क्वेश्चन नंबर आई आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टीशियल स्पेस इन, बताओ फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो डिसलोकेट हो जाते हैं जनरली कैटायंस अपनी मेन पोजीशन से और चले जाते हैं कहां पर, वॉइड्स के अंदर, यानी कि इंटरस्टीशियल स्पेस के अंदर, और जनरली ये डिफेक्ट होता है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे वॉइड्स डिफेक्ट भी दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको मिसलीड कर सकता है एग्जाम के प्रेशर में, आपको आता है मैं ये नहीं कहता, लेकिन एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कई बार कि आप मिसलीड होकर वॉइस डिफेक्ट लगा देते हो और बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हो क्या कर दिया। आर नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें से कौन है मॉलिक्यूलर सॉलिड? SiO2, चलो SiO2 मान लिया आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो फिर कॉपर और आर्गन क्या है ये?
ये भी तो हो सकता है ना, ये मेटल है ना, ये कॉपर मेटल है, आर्गन क्या है, नोबल गैस है, तो कॉपर मेटलिक सॉलिड हो जाएगा, आर्गन तो गैस ही होती है। केसीएल की बात करें तो केसीएल क्या है, आयोनिक है, तो SiO2 ही क्या है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट रहते हैं बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। कह रहा ऑन हीटिंग जडनो टर्न्स येलो व्हाइट विल बी, व्हाट विल बी द रीजन, क्या रीजन है जडनो ने येलो कलर में कन्वर्ट हो गया हीट करने पर। स्पूट की डिफेक्ट, उसको शॉट की डिफेक्ट, एब्सेंट एब्सेंट है भैया, कलर एब्सेंट कलर कलर कहाँ गया, येलो कलर है ना, तो कलर का नाम सुनते ही क्या याद रखना है, एब्सेंटर फैबर कलर प्रोड्यूसर होता है, एफ मींस क्या, फैबर कलर प्रोड्यूसर। तो जब भी आपको कलर से रिलेट करके क्रिस्टल को देता है उसका 100% आंसर एब्सेंटर ही होने वाला है। तो जैसे ही जडन को, ये तो नोट्स में भी लिखा है कि जब भी हम जड़ेनो को क्रिस्टल को हीट करते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है येलो, और ये होता है एफ सेंटर की वजह से। एफ सेंटर में होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, और जब भी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर, कह रहा द कलर ऑफ क्रिस्टल इज ड्यू टू, आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपको बस देखकर पढ़कर ही आंसर करना होता है। तो अब हम चलते हैं इनके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। कह रहा है द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, अगर हम क्या करते हैं कैटायन एनायन दोनों को हटा देते हैं क्रिस्टल से तो कौन सा इफेक्ट जनरली होता है। फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस इफेक्ट, टॉकी डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, वो डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, डिफेक्ट के बारे में। तो जब कैटायन एनायन दोनों गायब होंगे डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वो सब कुछ किसमें होता है, शॉर्ट की में, राइट। किसी कंफ्यूजन कोई, नो सर। ओके, द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इज एन एलिमेंट और कंपाउंड इज डोपिंग कॉल्ड डोपिंग डोपिंग डोपिंग, करेक्ट। टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट आर देयर व्हिच आर नोन एज, ओके क्या लिखा है, ये टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर देयर व्हिच आर नोन एज, ठीक है, उनको क्या कहते हैं टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को, ब्रेविस लैटिस, ब्रेवियस लैटिस, ये याद रखना, हाँ ब्रेविक नहीं ब्रेवियस, ब्रेवियस लैटिस होता है ये, ठीक है। टोटल वो जो क्यूट अवर मदर नाम की एक ट्रिक होती है, क्यूट अवर मदर, और यहां से निकालते हैं हम क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या लैटिस के स्ट्रक्चर, जैसे क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इन सब के फर्दर टाइप होते हैं, FCC, BCC, सिंपल, उन सबको मिलाकर के टोटल होते हैं 14 टाइप्स के, और उन सबको एक साथ कहते हैं ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं और फोर्थ की बात करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है डैश डिफेक्ट इज फाउंड इन जेडनेस एंड AGCL, ठीक है। तो ये दोनों अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किए थे, जेडनेस और AGCL में जनरली कौन सा डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल होता है, तो यहाँ का राइट आंसर यहाँ बनेगा फ्रेंकल। कर द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल इज नोन एज, रेडियस को क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो, वेरी गुड। कैटायन और एनायन के रेशियो अगर दिए जाते हैं तो जनरली उनको हम क्या कह देते हैं, रेडियस रेशियो बोल देते हैं, रेडियस रेशियो, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर अ यूनिट सेल इफ आर इक्वल टू ए बाय रूट एट, और इसी की जगह कह सकता है ए बाय टू रूट टू, देन इट विल बी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कौन सा टाइप का यूनिट सेल होगा अगर आर की FCC. FCC. FCC है और साथ में BCC का भी याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा देयर आर डैश टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, कितने टाइप के हैं, सेवन टाइप के हैं और उनके भी टाइप सब मिला करके 14 टाइप्स के लैटिस हैं, ठीक है। कह रहा प्लास्टिक, रबर, ग्लास एटसेट्रा आर डैश सॉलिड, amorphous सॉलिड, amorphous, बिल्कुल amorphous भी लिख सकते हो और नॉन क्रिस्टलाइन भी लिख सकते हो, ठीक है।
कर द डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल इन विच द साइज ऑफ कैटायन इज मच स्मॉलर देन एनायन द डिफेक्ट इज कौन सा ऐसा. देखो हर बार पूछ रहा है घूम घूम के क्वेश्चन घुमा घुमा के क्या पूछ रहा है वही फ्रेंकल शॉट की ठीक है इनके अलावा नहीं पूछ रहा वो कुछ भी. NaCl CSCl जडनस AgCl AgBr बस. तो इतनी चीजें याद रखो जैसे अभी तक याद रखी हैं. एक दिन और याद रख लो फिर कौन पूछ रहा है चलो आगे आते हैं. कर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na plus Cl minus in NaCl रिपीटेड सिक्स. ओके वेरी गुड. कह रहा मैच द पेयर पहला मैचिंग पेयर दिया हुआ है और आपको यहाँ पर मैच कराना. जनरली मैं बड़ा ऊपर ले आता हूँ इसको ठीक है. इनको एक साथ कर लेते हैं. चलो बताओ फर्स्ट मैचिंग है फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ लगेगा AgBr ठीक है. फ्रेंकल डिफेक्ट AgBr शॉर्ट की डिफेक्ट NaCl और बताओ जल्दी बताओ कंफ्यूज हो रहा है इसमें. CSCl NaCl राइट आंसर NaCl. BCC लैटिस CSCl और लास्ट आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल ग्रेफाइट रिपीटेड. वेरी गुड. अब आते हैं नेक्स्ट मैचिंग पे और नेक्स्ट मैचिंग की बात कर लेते हैं. कह रहा है NaCl किधर मिलाओगे आप NaCl को कहाँ डालोगे. फ्रेंकल एंड शॉट की देखो लगाने से पहले एक बार और दूसरी मैचिंग भी देख लेनी चाहिए. AgBr भी है. वेरी गुड. NaCl होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड. वेरी गुड. ग्लास एमॉर्फस सॉलिड मैग्नेटिक सब्सटेंस वही होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और AgBr दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं. राइट किसी को कोई कंफ्यूजन. चलें आगे. बोलो एक बार. यस सर. ऑल राइट यस. एक और लास्ट मैचिंग का पेयर दिया हुआ है जिसको भी देख लेते हैं ठीक है. क्या कर रहा है सॉलिड CO2 मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. वेरी गुड. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सिल्वर Ag है. सिल्वर मतलब Ag मेटलिक क्रिस्टल. मेटालिक. वेरी गुड. क्रिस्टल डायमंड कोवेलेंट क्रिस्टल एंड द लास्ट वन CaF2 इज आयनिक क्रिस्टल. तो ये नीचे से ऊपर की तरफ थी. तो कई बार लोग पैटर्न बनाने बैठ जाते हैं लेकिन याद रखना मैचिंग एक ही जगह से नहीं आनी है कई जगह से मैचिंग हो सकता है जिधर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाला है ठीक है. वन वर्ड से भी क्वेश्चन हो सकते हैं. एक नजर मार लेते हैं वन वर्ड्स में भी और सॉलिड को फिर खत्म करते हैं ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल इज SiC सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा टाइप का क्रिस्टल है. कौन से टाइप का क्रिस्टल है यानी या कौन से टाइप का सॉलिड है. कोवेलेंट क्रिस्टल ठीक है. इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाएंगे इसलिए कोवेलेंट है. एक टेबल बनवाई गई होगी आपके जब नोट्स लिखवाए गए होंगे सॉलिड स्टेट के उसमें मेटलिक मॉलिक्यूलर कोवेलेंट और आयनिक सबके एग्जांपल लिखे हुए हैं. एक नजर मार के जाना उसमें. करा राइट ब्रैग्स इक्वेशन बताओ. एल लैम्डा इक्वल टू टू द साइन थीटा. एफ सेंटर गिव्स कलर ऑफ क्रिस्टल ड्यू टू हुज प्रेजेंस. क्या होता है जब एफ सेंटर कलर देता है. फ्री इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या करेंगे कलर बताएंगे. व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल. FCC क्यूबिक. क्यूबिक क्या होगा इसका आंसर. क्यूबिक एग्जांपल डाल दो. दोनों डाल दो ठीक है. एक बार टैली कर लेना. यस सर. दोनों डाल दो. Give two example of covalent crystal. ओके ठीक है. कोवेलेंट क्रिस्टल के टू दो एग्जाम्पल. सिलिकॉन जर्मेनियम ठीक है. कई सारे हो सकते हैं जनरली ये डिपेंड करेगा आपको क्या याद रहते हैं ठीक है.
एग्जाम्पल टू पूछे जा रहे हैं, आपको क्या याद रखते हैं जनरली उस पर फोकस करना। जनरली अगर हम बात करें कोवेलेंट क्रिस्टल के लिए, तो आपका डायमंड भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ग्रेफाइट भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये भूलने वाले टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों का डलवा रहा हूं, डायमंड ग्रेफाइट। करेक्ट टू एग्जाम्पल ऑफ मेटल क्रिस्टल, कोई सी भी मेटल उठाकर रख दो, निकल सोना चांदी रख दो, निकल सिल्वर सोना चांदी आयरन कॉपर कुछ भी रख दो। करा व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस? क्यूबिक। वेरी गुड, क्यूबिक भाई यही वाली तो है सबसे सिंपल, बस जहां पर सारे कॉर्नर्स पे होंगे तो ये क्या है, क्यूबिक है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक टैगलाइन भी लिखी हुई है। क्यों हो गया भाई? ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और ये मैंने सेट किया है आपकी लर्निंग, पढ़ सकते हैं उसको, आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात से देखो, तो अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन, जो स्लाइड पर्टिकुलर आज मैंने मेहनत करके बनाई हुई है, तो इसमें मैंने एनालिसिस की हुई है और उसके हिसाब से क्वेश्चन डाले हुए हैं। मेनली फोकस रहेगा मेरा 5 मार्क्स क्वेश्चन पे जनरली, क्योंकि आप बाकी सारे छोटे छोटे पढ़ चुके होंगे। 5 मार्क्स में इसलिए फोकस करवा रहा हूं क्योंकि लिखने का तरीका, क्या लिखना है, कितना लिखना है, इस पर भी बात करनी है मुझे। ठीक है, तो ये टारगेट मैंने लिखा हुआ है 65+, ऑब्वियस इससे ऊपर आने ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, परसेंटेज कहीं ना कहीं तो खींचनी है, अगर फिजिक्स में पीछे रह गए तो केमिस्ट्री में खींचो, लेकिन खींचो जरूर। ठीक है, आप अपने हिसाब से 65+ को भी अरेंज कर सकते हो, कई लोग होंगे 68+ करके चलते हैं, कई लोग 60+ करके चलते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको आना चाहिए सारी चीजें ताकि आप आंसर कर पाए। ठीक है, चलते हैं स्लाइड फर्स्ट, और स्लाइड फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। और ये क्या कह रहा है, सॉलिड स्टेट है, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स है इसमें, और कह रहा है प्लीज रीड पीडीएफ क्वेश्चन प्रोवाइडेड बाय मी। मैंने जो पीडीएफ दी है, जो अभी सॉल्व कराई है जनरली, इसी को अपलोड कर दूंगा, इसको एक बार और देख लीजिएगा, सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चैप्टर टू आपका सॉल्यूशन है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बात और शायद मैं आगे लगाना भूल गया उसमें, वो और नोट कर लो, जनरली आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के कंसंट्रेशन टर्म्स में दो चीजें, एक मोलैरिटी, इनके न्यूमेरिकल याद रख, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना एक बार न्यूमेरिकल। ठीक है, कौन से वाले वो भी बता दे रहा हूं, जनरली NaOH वाले, या फिर वो NaCl वाले, और या फिर एक और दिया रहता है यूरिया वाला, बस ये जनरली 3 पढ़ लेना, न्यूमेरिकल पोर्शन भी खत्म। और 2 बता ही चुका हूं आपको पहले ही, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, इधर से क्वेश्चन बनता है जनरली मॉलिकुलर मास का। बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन एक बार जरूर देख कर जाना, ताकि अपने लिए और वाला क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा तो वो कर पाए हम। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आ सकता है इसमें कैसे, डिफाइन द फॉलोइंग आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बताओ जनरली आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्या, उसके बाद बात करेंगे। जहां पर सर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो दोनों में। ठीक है, चलेगा दोनों में, दोनों सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जहां पर क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्ट हो, इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अभी मैं डिटेल में आता हूं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बता सकते हो, बता जरा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई कंसेंट्रेशन टू लो। हाँ, उससे पहले एक बात बताओ, जो लीड में बिल्कुल ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जनरली क्या है, एक तरह का फिल्टर है जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए ही जनरली बनाया जाता है। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस प्रेशर और सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस प्रोसेस में। तो बात कर लेते हैं पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, कि जनरली आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और इसके बारे में हम क्या समझेंगे। तो कह रहा है द सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड एज सेलाइन वाटर, ठीक है, मतलब सॉल्टी वाटर, इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड कॉर्पसेल्स।
मतलब आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं जनरली कह सकते हैं उनके बिल्कुल उसी के बराबर इसका क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। दैट्स व्हाई मेडिसिन आर मिक्स्ड विद सेलाइन वाटर बिफोर इंट्रावेनस इंजेक्शंस, मतलब इंजेक्शन जब लगाओगे और वो इंजेक्शन टाइम लेगा डिजॉल्व होने में, लेकिन मेडिसिन अगर खा लोगे तो मेडिसिन इजिली डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये कहानी है किसकी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। अब ये आएगा कितने में, तो हमने पहले ही देख रखा है यस इस चैप्टर से 2 मार्क्स का आना है। तो सपोज अगर ये 2 मार्क्स से आया और आपने सिर्फ इतनी सी लाइन लिख दी तो 2 मार्क्स मिलने मुश्किल है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये वाला इसमें याद रखना और अटैच कर देना साथ में, और चाहो तो इसमें और चीजें अपने आप से जो भी आप जानते हो सॉल्यूशन के बारे में उसके बारे में इधर मेंशन कर सकते हो। कैसा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्यूशन पार्टिकल होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे जनरेट होता है उसमें, इनकी बातें थोड़ी सी लिख सकते हो लास्ट में। पहले आप इतना ही लिख दोगे यही सफिशियंट होगा, 1 मार्क्स इसका और 1 मार्क्स इसका, वो 2 मार्क्स आपको दे देगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट है आपका क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें तो कह रहा है दीज आर द मेम्ब्रेन्स विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, किसको अलाउ करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करता है थ्रू देम, मतलब अपने अंदर से। द मेम्ब्रेन अपीयर टू बी कंटिन्यूअस शीट, मतलब मेम्ब्रेन क्या है, एक लगातार लेयर्स के फॉर्म में अरेंज रहती है। बट दे हैव वेरी टाइनी होल्स, बहुत ज्यादा छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, विच आर सेमी क्रोम या सेमी क्रोम इन नेचर, ठीक है। थ्रू द होल्स, मतलब सेमी क्रोम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सेलेक्टिव हो गया, क्या हो गया, सेलेक्टिव। तो थ्रू द होल्स ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन पास व्हाइल दोज ऑफ बिगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास देम। ओनली क्या होगा, सपोज हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने क्या लगा दिया, अच्छा एक मिनट पेन चेंज कर लें दो, हमने क्या किया, कंटेनर लिया और कंटेनर में एक क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इधर रख दिया सॉल्यूट और इधर रख दिया क्या, सॉल्वेंट, या फिर कह सकते हैं इधर सॉल्वेंट रख दिया और इधर कोई सॉल्यूशन ले लिया, तो इधर के सॉल्वेंट पार्टिकल्स को इस साइड सॉल्वेंट की तरफ ट्रांसफर कर देगा, सॉल्यूट को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ये वर्किंग किसकी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीजों को लिखना है, एलाबोरेट करना है। अब नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन, जनरली इसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं, बताओ क्या है। बोलो, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड पीपीएम। ग्राम, देखा, ग्राम लिखोगे गलत हो जाएगा। एक्चुअल में पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है बहुत सारी चीजों में हम छोटी सी क्वांटिटी देखें, मिलीग्राम क्या रखेंगे, मिलीग्राम रखेंगे, और इसी को हम ट्रेसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रेसेस, ठीक है। जनरली जितना भी क्राइम सीन होगा वहां पर हम पीपीएम में ही आपका कंसंट्रेशन यूज करेंगे, इसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे, अभी समझते हैं जनरली। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको एक बार बताओ, बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो जरा पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन करते हैं। करा व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, माइन्यूट मतलब होता है ट्रेसेस, लिख सकते हो यहां पे माइन्यूट मतलब ट्रेसेस, द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, तब हम वहां पर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं किसमें, पार्ट्स पर मिलियन के टर्म में। कह रहा है द पार्ट्स मे बी मास और वॉल्यूम, वो मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। कह रहा है इट इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन के पार्ट में पर्टिकुलर पार्ट्स कंपोनेंट का क्या कहलाएगा, आपका पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम कहलाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, पीपीएम इक्वल टू मास और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, अगर मास के टर्म में है तो मास ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम के टर्म में है तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय टोटल मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10^6। तो इनटू में 10^6 डिपेंड जनरली डिफाइन करता है किसको, मिलियन टर्म को, राइट। ये होगी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आप वहां पे लिख के आएंगे। माइन्यूट वर्ड याद रखना, पीपीएम का मतलब है बहुत छोटा सा कंसंट्रेशन, बहुत ही फाइन अमाउंट की बात कर रहे हैं। चले आगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो क्या कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को, कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन
टू हाल्ट द फ्लो, हाल्ट मतलब स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब जो ऑस्मोसिस प्रेशर को स्टॉप कर दे, दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा भी तो याद रख सकते हो, करा इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। नंबर पे डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। करा ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, पाई इक्वल टू सीआरटी है जनरली, आई का मतलब यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जनरली, क्यों, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाती थी, एरर हो जाती थी, इसलिए हमने आई को इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे हम पाई इक्वल टू सीआरटी भी लिख सकते हैं। पाई क्या है, तो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, आई क्या है वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, सी क्या है मोलर कंसंट्रेशन है, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और टी क्या है टेम्परेचर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में इतना आप लिख के आएंगे, 2 मार्क्स के लिए, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। चलें आगे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको लिखना कैसे है, आप लिखेंगे क्या वो आप खुद जानते हैं और वही आप लिखोगे ही, मैं कितनी बार भी उसको क्लियर कर दूं, लेकिन एक तरीका, एक चीजें जो हमें सिलेक्टिवली वहां पर देनी पड़ती हैं। कई लोग इसको यहां पर लिख के फिनिश कर देंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे। तो अगर आप इस चीज को लिख रहे हो तो एक बार प्रॉपर डिफाइन कर दो कि क्या लिखा है आपने, तो वो भी एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा 1 मिनट का आपका, लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। कह रहा डिफाइन वॉन्ट ऑफ फैक्टर, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, ये भी डिफाइन में हो सकता है, डिफाइन में आपका मोलैरिटी हो सकता है, मोलैलिटी हो सकता है, और आपका हेनरी लॉ का एप्लीकेशन और हेनरी लॉ भी हो सकता है। तो जनरली आपको क्या करना है, इन चीजों पर फोकस करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं एक बार जरूर देख कर जाना, ठीक है। कहते हैं क्या पढ़ के जाए, तो जितनी चीजें मैं लगा रहा हूं इन चीजों को एक बार आपको देखकर जरूर जाना है। आप एक बार और देख लीजिए जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो क्या हो सकते हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली आइसोटोनिक सॉल्यूशन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये और में भी हो सकते हैं एक दूसरे के, ये भी याद रखना, पार्ट्स पर मिलियन, ऑस्मोटिक प्रेशर, आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर, मोलर फ्रीजिंग, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, हेनरी लॉ और अप्लीकेशन। अब आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो जनरली मैंने गाइड किया है आपको कैसे करना है, ये चीजें आप खुद से समझेंगे, डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, आप पूछ सकते हैं। जैसे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस, एजियोटॉपिक मिक्सर, ये थोड़ा सा देखो, इधर देखो जरा एक बार, ठीक है, आपका क्या है आइडियल, एक सेकंड पेन ही नहीं चेंज हो पा रहा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, आइडियल नॉन आइडियल और एजियोटॉपिक मिक्सर और राउट लॉ, और ये तो इंपॉर्टेंट पहले ही बता दिया है, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स जनरली आप कोई सी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स दोनों में रिलेट करा के मैंने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स ही रखी हुई है, कुछ भी नहीं छूटा, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, सब कुछ रख दिया है। मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर के लिए मोस्ट है, इनको आप छोड़कर नहीं जा सकते किसी भी कीमत पे, सबसे ज्यादा आप इस क्वेश्चन पे फोकस करके ही जाएंगे, इसको सॉल्व करके ही जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लिख के सॉल्व करो, आपको याद रहेगा कितना लिखना है, पढ़ के याद करोगे आपको भूल जाएगा कितना लिखना था, लेकिन अगर लिखा होगा आपने 1-2 बार तो आपको माइंड में चलता रहेगा कितना लिखना है। बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन ये अपने आप में 5 मार्क्स के क्वेश्चन को रखे हुए हैं। जैसे इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड एक्सप्लेन सेल रिएक्शन, अगर एक लाइन में आता है तो भी वही आंसर होगा, अगर वो अलग अलग पूछता है तो भी, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दे, गैल्वेनिक सेल दे दे, बात एक ही है, लेबल डायग्राम के बारे में बताना है, मतलब डिस्क्रिप्शन मेथड के बारे में बताना है, सेल रिएक्शन के बारे में बताना है, इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सेल के बारे में बताना है। अगर वो इस तरह से फर्दर डिवाइड करता है, इसका मतलब वो इनके मार्क्स भी डिवाइड कर रहा है, ये भी आपको समझना है। सपोज अगर ये 2 मार्क्स का, अगर ये 2 मार्क्स का है तो ये 1 और ये 1 मार्क ज्यादा हो गया, ये 1/2 मार्क्स का दे देगा, ऐसा कर सकता है वो डिवाइड अपने आप में। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है सबसे पहले, तो अगर वो लाइन से एक बार ही दिए है तो वो उसी में कॉमन नंबर देगा, 5 में से ही उसका मन होगा, ठीक लगेगा तो 5 में 5, अदरवाइज 4 करके देगा। लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि अगर वो इस तरह के फॉर्मेट में देता है तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे लेकिन वो 2 मार्क्स तो निकाल ही लोगे उससे, ये बारी बात कह रहा हूं मैं,
अगर ये फॉर्मेट में आता है तो ये बेस्ट होता है आपके लिए, आपको नंबर गेन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखेंगे आप, तो सबसे पहले लेवल डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। कई बार आपने बनाया हुआ है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, बस याद रखना है हमें क्या क्या चीजें रखनी है। सपोज हमें इलेक्ट्रोड रखना है तो जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का सॉल्यूशन याद रखना, ये गलती होती है भाई। सपोज हमने लिया जेडन इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन डालते रहे हैं कॉपर सल्फेट, ये गलत हो जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, ये याद रखना। इधर भी देखो कॉपर लगाया हुआ है तो कॉपर का ही सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लिया गया है। एक सॉल्ट ब्रिज लिया गया है जिसमें हमने KCl इंट्रोड्यूस किया है। गैल्वेनोमीटर जनरली डिफ्लेक्शन शो करेगा, कहां पर कैसी प्रोसेस चलेगी। एक की लगाना मत भूलना ताकि हम अपने सेल की वर्किंग को स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सके। खास तौर पे एक बात और, जैसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन माइनस टू प्लस होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो जैसे ये करंट है तो करंट की देखो इस साइड में डायरेक्शन बनी हुई है, तो ये जरूर याद रखना कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई फ्लो करती है। ये बात बनाते टाइम याद रखना, क्योंकि देखो बना सब लोग लोगे सबसे आ जाएगा, लेकिन नंबर उसी के कटेंगे जो लेबल करने में गलती करेगा। लेबल का मतलब ये होता है ये सारी चीजें लिखना, अरेंज करना, ठीक है। एनोड क्या, कैथोड क्या, ये भी याद रखना, ठीक है। और इधर के लिए गैल्वेनिक सेल के लिए ट्रिक आपके पास पहले से ही है, लोन लेफ्ट नहीं चाहिए, ऑक्सीडेशन भी नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाता तो जनरली एनोड पॉजिटिव हो जाता, कैथोड नेगेटिव हो जाता, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो ये है आपका लेबल डायग्राम जिसको आप बनाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। मान के चलिए ये आएगा ही आएगा, इतना बात मान लो। अब देखो कह रहा है डिस्क्रिप्शन क्या करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में जो आप पढ़ते हैं जनरली किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, आपको वही यहां पर रखना है, वही यहां पे मेंशन करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्रोसीजर ही लिखा हुआ जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो कह रहा है इन द रेडॉक्स रिएक्शन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अकर्स थ्रू वायर एंड दस केमिकल एनर्जी चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई आपने जो सेल यूज किया है उससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो केमिकल एनर्जी को। अब क्या कह रहे हो, द डिवाइस ऑन विच केमिकल एनर्जी चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिडॉक्स रिएक्शन में हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली प्रोसेस के अंदर, और ये वायर के थ्रू चलता है किसमें, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चलाते हैं। अब ऐसी वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसका भी नेम लिख देना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। वर्किंग ऑफ दीज सेल कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब डैनियल सेल लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। अब डैनियल सेल क्या है, कह रहा इन दिस सेल जिंक रॉड इज डिप्ड इन ZnSO4, ठीक है। इसको मैं एडिट कर देता हूं, नहीं तो पीडीएफ में ऐसे ही जाएगा। किस में जाएगा ये, ZnSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बोथ सॉल्यूशन आर कनेक्टेड थ्रू अ KCl सॉल्ट ब्रिज। दोनों सॉल्यूशन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, तो देख सकते हो आप सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। एक जगह Zn है, ZnSO4 है, यहां पर भी कॉपर है, कॉपर सल्फेट है। तो ये आपको जनरली चीजें याद रखनी है अपने डायग्राम के अंदर, और उसकी वर्किंग लिखते टाइम ये मत भूल जाना कि वर्किंग लिखते टाइम ही चीजें गलत कर दो, नंबर माइनस हो जाएंगे। देन क्या करना है आपको, तो देन आपको कहना है व्हेन कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड बाय वायर एंड गैल्वेनोमीटर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर अकर। अब जिंक टू कॉपर क्यों हो रहा है बताओ जरा एक बार मुझे, क्यों हो रहा है जिंक टू कॉपर, बोलो। कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं हुआ, भाई एनोड माइनस है ना अपनो, अपन को यहां मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा ऐसा ही क्यों हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं हमारा एनोड माइनस है इस साइड जिंक साइड, इसलिए ये फ्लो हो रहा है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, कि आप उसमें ज्यादा ही दिमाग लगाने लगो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और की। देखो क्या कह रहा है, कह रहा जिंक एटम्स चेंजेज इनटू जिंक प्लस टू एंड इलेक्ट्रॉन्स रीच एट कॉपर इलेक्ट्रोड। जैसे ही जिंक प्लस टू में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड में, वेयर कॉपर प्लस टू चेंजेज इनटू कॉपर मेटल
एंड दिस कॉपर डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड, और ये कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, भाई आपका कॉपर प्लस टू किसमें चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड में, तो ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में जो भी कॉपर की इलेक्ट्रोड आपने लगाई थी। देन आपको सी नंबर का आंसर लिखना है, जिसको नेम देंगे आप सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन, सेल में दो पार्ट है, एनोड और कैथोड। एनोड आपका जिंक का है, कैथोड आपका कॉपर का है। तो रिएक्शन याद रखना, जिंक में आपने पहले ही बात की है कि जिंक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिंक प्लस टू में, और टू इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। अब ये टू इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास पहुंचते हैं, तो कॉपर प्लस टू टू इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है। कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो जो आपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इनको रिमूव कर देना है, और जितना भी आपको दिया इनको ऐड कर देना है, तो एक बनेगी सेल रिएक्शन। अब लास्ट क्वेश्चन ये था इसके अंदर कि आप सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो आप इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में भी रख सकते हैं और आयंस के फॉर्म में भी रख सकते हैं। जनरली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, और ये सॉल्ट ब्रिज है। ये आपका लेफ्ट पोर्शन है, ये आपका राइट पोर्शन है। तो अगर आपको सेल रिएक्शन दे दी जाती है और उससे कोई रिलेट करके पूछ लिया जाता है, तो जनरली ये कंक्लूड होगा और ये आपका राइट कंक्लूड होगा, याद रखना। इसी के लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई थी लोन और आर आर सी पी। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। दैट मीन्स ये राइट में है, इधर रिडक्शन होगा, यही कैथोड होगा। ये लेफ्ट में है, इधर ऑक्सीडेशन होगा, यही एनोड होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप इनको इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में भी रख सकते हो और आयंस के फॉर्म में भी रख सकते हो। तो ये जनरली था पहला आपका लॉन्ग किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इतनी चीजें आपको ऐसे ही डिटेल्स में लिख देनी है ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले, क्योंकि 5 मार्क्स में भी अगर नंबर हम कटवा रहे हैं तो फिर हमारा रिजल्ट डाउन होने में कोई नहीं रोक सकता। तो हमें एनी हाउ करके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करके लिखने हैं। राइट, समझ गए, बोलो एक बार। यस सर। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आपने जैसा पहला देखा लॉन्ग, वैसा ही एक और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सेल से ही रिलेटेड है जनरली, और वो है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कह रहा है ये है क्या और हाउ इज इट मेड, ये कैसे बनाया जाता है जनरली। तो आपको SHE के बारे में एक बात बतानी है जो कॉमन है, जिसको आप पढ़ते ही पढ़ते हो, बताओ क्या है वो। अच्छा, दूसरी तरह से पूछता हूं, SHE किस टाइप का इलेक्ट्रोड है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, कैसा है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसमें E0 H+ H2 क्या होता है, 0.00 वोल्ट। ये इसीलिए क्या है, रिफरेंस है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। इससे रिलेट करा के हम चीजों को देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग को देखते हैं, रिड्यूसिंग को देखते हैं। तो जनरली समझ लेते हैं लेबलिंग क्या है इसकी। तो लेबलिंग इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपका फोकस करेंगे, ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहां से हमने H2 गैस इंट्रोड्यूस कराई है जिसका प्रेशर 1 atm रखा हुआ है, और ये एक ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक ये मेटल का रॉड लगा हो, जिसके नीचे क्या लगा हो, प्लैटिनम लगा हुआ है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, प्लैटिनाइज, मतलब इसमें प्लैटिनम लगा हुआ है। ये क्या है, 1 मोलर H+ सोल्यूशन है, मतलब क्वांटिटी क्या है H+ सोल्यूशन की, 1 मोलर, और बस इतनी ही चीज जनरली इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे लेबलिंग में, ज्यादा कुछ नहीं करना। लिखने की बात आती है तो क्या लिखना है वहां पे, तो कह रहा है दिस कंसिस्ट ऑफ गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्डिंग ओवर अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन 1 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी क्या है, रूम टेम्परेचर का आसपास का है, नॉर्मल टेम्परेचर है। द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक टू इंक्रीज इट्स सरफेस, मतलब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो पतली इलेक्ट्रोड थी उसके नीचे क्या है, प्लैटिनम ब्लैक लगाया हुआ है, जो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से होगा क्या, जनरली हमें क्या करेंगे, जो भी गैस आएगी उसमें क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन ज्यादा एडजॉर्ब होगा, और जब ज्यादा एडजॉर्ब होगा तो हमारी रिएक्शन ज्यादा मिलेगी, हमारे प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। तो कह रहा है द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दस कंस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ हाफ सेल विच ऑन एटमॉस्फेरिक कपलिंग विद एनी अदर हाफ सेल बिगेंस टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दैट मीन्स कौन सा प्रिंसिपल है, रिडॉक्स प्रिंसिपल है, जिसपे ये हाफ सेल की तरह वर्क करेगा। अच्छा, हाफ सेल क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आप देखो हाफ सेल के लिए तो यहां पर एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। कंप्लीट सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं, हाफ में केवल एक ही होगा, इसलिए इसको हाफ सेल नेम दे रहे हैं, सेल नहीं दे रहे हैं।
करा इलेक्ट्रोड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस वर्क बोथ एज एनोड और कैथोड, दोनों की तरह एनोड और कैथोड दोनों की तरह ये क्या करता है, वर्क कर सकता है। हम अगर एक ऐसे मेटल के साथ में लगा रहे हैं जो खुद में एनोड है तो ये कैथोड बन जाएगा, अगर वो मेटल कैथोड है तो ये खुद में एनोड बन जाएगा। अब हमें सेल रिएक्शन लिखनी है, अगर कब लिखनी है, जब ये एनोड की तरह काम करेगा। तो अगर एनोड करेगा तो एच टू डिकम्पोज होगा, यानी एच टू क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एच प्लस में और टू इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो H2 गैस 180m प्लैटिनम। अच्छा गैस है इसलिए यहाँ पे सॉलिड मेटल दिया हुआ है ताकि ये एडजॉर्ब कर ले H2 को, और यहाँ पर क्या है एक्वस सॉल्यूशन H3O+ का 1 मोलर का। अगर यही किसकी तरह वर्क करने लगे, यहाँ पे कैथोड की तरह वर्क करने लगे, तब ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, मतलब H+ आयन का रिडक्शन हो जाएगा और रिड्यूस कर दिया जाएगा किसमें, H2 गैस में, और इसका क्या लिखेंगे H3O+ एक्वस 1 मोलर और 180m Pt किसका H2 का, यहाँ पे H2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, तो ये SHE के लिखने के लिए कंप्लीट जानकारी, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक लाइन लिख दें जो आपने ऊपर समझी हुई है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, बस इतना लिख के छोड़ दोगे गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं होगा नंबर कट जाएंगे। तो आपको कंप्लीट कह रहा था मेड कैसे होता है वो भी बताना, और साथ में रिएक्शन भी आपको यहां पर इंट्रोड्यूस करनी है SHE के रिस्पेक्ट में। अभी देखो SHE कंप्लीट हुआ, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, जो मैंने पहले ही बात कर ली थी कि SHE arbitrarily assigned a potential of zero, मतलब इसको ऐसे असाइन किया गया, ऐसे बनाया गया है कि इसका पोटेंशियल क्या हो, जीरो ही हो। दैट मीन्स फिर से लिख देता हूं, E नॉट H प्लस H2 कितना होगा, 0.00 वोल्ट होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रो रिफरेंस रिफरेंस हाफ सेल कह सकते हैं। अभी आता है डिफाइन कोहल रॉस लॉ, बताओ जरा कोहल रॉस लॉ क्या है, किसको कहते हैं, कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, बोलो। कोई बताएगा, एट इनफाइनाइट डोल्यूशन व्हेन ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड कंप्लीटली एंड इनर आयनिक अटैक्शन negligible, each ion make a definite contribution to the conductivity of an electrolyte when the value of molecular conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of ionic conductivity of at infinite dilution of cation and anion. Gallium infinite is ठीक है, okay 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 fine. तो generally Kohl-Ross law आपका ये 5 marks का है, तो हम पहले तो इसको 5 marks के according लिखने की कोशिश करेंगे, और साथ में इसने दिया है एप्लीकेशन वो भी 2। हमेशा यही क्वेश्चन होता है और यही सेम टू सेम फॉर्मेट में आता है। कई बार क्या होता है कि जो एप्लीकेशन लिखे हैं वहां पर एप्लीकेशन की जगह एक न्यूमेरिकल इंट्रोड्यूस कर देता है जो हम एप्लीकेशन के बेस्ड पे ही समझ के चलते हैं। तो आप एप्लीकेशन के लिए भी रेडी रहिएगा और न्यूमेरिकल के लिए भी रेडी रहिएगा, जरूरी है क्या आ जाए ऐसा हम नहीं बता सकते। एप्लीकेशन भी रख सकता है वहां पर और क्या रख सकता है आपका, हाँ, न्यूमेरिकल भी रख सकता है। तो जनरली क्या है आपका जो कोहल रॉस लॉ है वो किसी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे बात करता है, ठीक है। लाइक इनफिनाइट डाइल्यूशन में जब हम पूरा लैम्डा एम मोलर इनफिनाइट कंडक्टिविटी देखते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं, तो जनरली ये क्या होता है, ये सम होता है किसका, कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ये क्या है टोटल सम है किसका, एनायन और कैटायन का। तो जनरली एक लाइन में भी डेफिनेशन हो सकती है कि जो भी आपका वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस का वो क्या होगा, सम होगा किसका, सम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एनायन एंड कैटायन मोलर कंडक्टिविटी। या फिर आप उसको डिटेल में ले जाओ कि आप इनफिनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहे हो कि जब भी हम किसी का इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन कंप्लीट करते हैं या उसको आयोनाइज करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो उनमें जो टोटल उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो सम होती है किसका, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन का। तो आप घूमकर भी बता सकते हैं, डायरेक्टली भी बता सकते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि हम 5 मार्क्स में कर रहे हैं तो कितना जा सकते हैं, कितना डिटेल में जा सकते हैं। अब ये लिखने के बाद आप ये लिखना मत भूलिएगा, ये हम बार बार कहूंगा लॉन्ग आंसर के केस में, वेयर लैम्डा एम इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशन, वेयर लैम्डा प्लस इंफिनिटी, ओके उल्टा हो गया एक सेकेंड, लैम्डा इंफिनिटी प्लस क्या है, लैम्डा इंफिनिटी माइनस क्या है, इन लोगों को एक्सप्लेन करना, और खास तौर पे एक्स एंड वाई को एक्सप्लेन करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छा एक्स एंड वाई है क्या, यहाँ पे
नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। अभी चलते हैं कोलेरोस लॉ के बाद आपको आपके लिए इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है प्री बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो 5 मार्क्स का है, एक या दो इंपॉर्टेंट बता करके मैं आपको शॉर्ट नहीं करना चाहता हूं, ताकि आप एक ही पढ़ पाओ और वो भी पता चले आए ही ना। तो इसलिए आपको थोड़े से ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिनमें से इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा आपका जो प्री बोर्ड हुआ है उसमें भी शायद ये था सैंपल पेपर जो आया था आपका जनरली, उसमें ये था, तो प्री बोर्ड में भी था उसमें भी था, तो इसके चांसेस बन जाते हैं। और एक लास्ट में आप पढ़ोगे फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस के दोनों लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है पहले 5 मार्क्स वाले चैप्टर से। पहला आपका डैनियल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसी को कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी इसी को कहेंगे। दूसरा है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तीसरा था आपका कोहलरॉस लॉ, चौथा है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल, मोलर और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और लास्ट है आपका फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस। इनको 101% करके जाना, इन्हीं में से आ जाएगा इतना मैं बोल सकता हूं। खैर ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। मैं चीजें जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हाँ 1 घंटा 10 मिनट खत्म कर लिया अपन ने लगभग। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल रहा हूं तेरा, व्हाट इज द मीन ऑफ हाफ लाइफ, प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब आपसे हाफ लाइफ पूछा है और हाफ लाइफ का डेरिवेशन पूछा है। हाफ लाइफ का डेरिवेशन कैसे होता है याद है क्या, मालूम है, बोलो। हाफ लाइफ बताओ फर्स्ट ऑर्डर की कितनी होती है, 0.693 अपॉन के, ठीक है, 2.303 अपॉन टी, देखो वो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, और कुछ होता है यहाँ पे ठीक है, n नॉट अपॉन a होता है। ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप यहाँ पर t इक्वल टू t हाफ लिखेंगे और आप a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a नॉट बाई 2 हो जाएगा, तो आपका पूरा इक्वेशन ये ड्राइव हो जाएगा क्या, 2.303 बाय t हाफ log 10 और आपका a नॉट बाय टू कैंसिल आउट, 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 2.303 log 10 2 और डिवाइड में क्या टी हाफ। log 2 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 0.3010 और ये पूरा लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा टी हाफ का। और जनरली यहां पर देखो कहीं भी क्या नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन, या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेशन का कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए ये प्रूफ होता है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जनरली आपको ये पूरा सॉल्व करना है और यहां तक बताना है और लास्ट में लिखना है, पहले तो हाफ लाइफ बतानी है क्या होती है, फिर ये लिखना है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, क्या है इसी में, तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में याद रखना, मॉलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, डेसिमल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में आपको पास होंगे, आप देख लीजिएगा एक बार। फिर कह रहा है रेट कॉन्स्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें डिफरेंस, और ये बहुत कम चांसेस है कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी आपसे पूछे, लेकिन एक बार मेरी तरफ से इतने ही क्वेश्चन है, इनको जरूर देख करके जाना आप लोग। हाँ, ऑर्डर निकालने की ट्रिक क्या है, m by l 1 minus n s minus 1, ये ट्रिक याद रखना, क्योंकि अगर उसने और में क्वेश्चन बना करके दिया जैसा लास्ट एग्जाम में आया था कि जनरली वो N2O और NO2 ऐसा कुछ दिए था और उसमें ऑर्डर पूछा था,
कि इन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या है और उनकी यूनिट कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट के की यूनिट निकालने की या फिर ऑर्डर की यूनिट निकालने की ये ट्रिक है। एन क्या होगा? ऑर्डर होगा, फर्स्ट है तो यहाँ पे वन रख जाएगा, जीरो हो जाएगा, एस माइनस वन यूनिट हो जाएगी। तो ये ट्रिक याद रखना। और ऑर्डर जनरली क्या होगा? ऑर्डर जितना भी रिएक्शन दिया होगा उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर में दिया होगा, जो भी कंसंट्रेशन की पावर, उनको ऐड कर देना। अब वो फ्रैक्शन में भी आता है तो भी चलेगा, डेसिमल में भी आता है तो भी चलेगा, उससे आपको कोई चेंज नहीं दिखाना है। कि जैसे सपोज उसने क्या किया, एक रिएक्शन दे दी कि रे दिया, आपको रेट दे दिया, एक रेट लॉ दे दिया, के इक्वल टू ए पावर 3/2 बी पावर 1, तो बताओ ऑर्डर कितना होगा। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको 3/2 और 1 को प्लस कर देना है, तो कितना आएगा बताओ? 5/2 आ गया, यही आएगा। हाँ ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5/2। तो जरूरी नहीं अपने से कुछ नहीं करना है कि आप यहां पर ऑर्डर अपने से कर दो। जनरली इनका दोनों का सम होता नहीं है ऑर्डर, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली रिएक्शन देकर पूछ रहा है तो आपको सॉल्व करके बता देना है। और ट्रिक बता दी किसके लिए? ऑर्डर फाइंड करने के लिए, सॉरी यूनिट फाइंड करने के लिए, के की यूनिट, राइट? सर वो ट्रिक एक बार और बता दीजिए, वो निकालने की, के की यूनिट निकालने की। ओके ओके, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ट्रिक फॉर यूनिट क्या है? m बाय l 1 माइनस n s माइनस 1, ठीक है। m का मतलब क्या होगा? मोल होगा। l का मतलब लीटर होगा। s का मतलब सेकंड होगा, ठीक है। अगर हमारा ऑर्डर कितना आता है? ऑर्डर आता है 1, तो अगर 1 ऑर्डर आया तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और m बाय l में हम क्या रखेंगे? 1, और n की जगह 1 रख देंगे, s माइनस 1। और जब इसका रिजल्ट देखेंगे तो m बाय l पावर क्या हो गया? 1 में से 1 0 और s माइनस 1, तो ये तो पूरा 0 हो गया, रिजल्ट बना s माइनस 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है s माइनस 1। ऐसे ही हम सेकंड ऑर्डर के लिए भी देख सकते हैं, थर्ड के लिए भी। सपोज मैं एक बता देता हूँ आपको, चलो 0 ही बता देता हूँ, 0 ऑर्डर। तो m बाय l 1 माइनस 0 s माइनस 1, दैट मीन्स क्या हो गया? m बाय l 1 s माइनस 1। तो अब m 1 है तो मतलब मोल तो 1 में ही होगा, लेकिन लीटर 1 होगा, ऊपर आएगा तो l माइनस 1 हो जाएगा और s माइनस 1 हो जाएगा। मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जनरली 0 ऑर्डर की होती है, राइट? आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कई बार, लेकिन आप हर एक पहलू पे ही, इसलिए मैं सब चीजें आपको दे रहा हूं। अब आते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो ये आपका जनरली थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें आपको चीजों को समझकर चलना है। जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, कितना आना है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जनरली एक यू शेप ट्यूब के अंदर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसके अंदर एक कोलाइड सोल्यूशन भर देते हैं। अगर कोलाइडल के अंदर पॉजिटिव आयन होंगे तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, और अगर नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो अगर वो कोलाइड पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं तो इन्हें एनाफोरेसिस बोला जाता है, और अगर प्लस की तरफ मूव करते हैं इन्हें कैटाफोरेसिस बोला जाता है। तो ये जनरली आप इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन सिंगल लेयर होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में 20 to 40 या 4 to 40 केजी जूल पर मोल क्या निकलती है? हीट ऑफ एंथैल्पी निकलती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में ये 400 किलो जूल तक निकलती है, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन आपको बता ही दिया, मल्टी लेयर होता है, इसमें जनरली आपका अट्रैक्शन इंटरेक्शन होता है जनरली बीच में, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल के बीच में। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग वाला अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से आप जब इसको पढ़ेंगे डिफरेंस को तो आपको याद हो जाएगा एक बार में ही। बहुत सिंपल है फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन को केमियोजॉर्प्शन भी कहते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है? जब भी क्या करते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से एक लाइट बीम पास करते हैं तो लाइट बीम के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स स्कैटरिंग करते ही दिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टिंडल कहते हैं। सबसे पहले टिंडल ने ही बताया था, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ गया। जनरली इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, इस बार भी चांसेस है। एक और क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, व्हाई डज फिजियोजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज क्यों हो जाता है बताओ? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है? वीक है। यानी कि कोई भी बॉन्डिंग जो है, या कह सकते हैं इंटरेक्शन जो है, वो कोवेलेंट नहीं है।
बॉन्डिंग जो इंटरेक्शन है वो वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से है। इस वजह से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एडजॉर्ब होने की जगह ये लोग क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, इसलिए जिनका जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। गोल्ड नंबर याद कर लेना। तो ये चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट है, जिनको आप किसी भी कीमत में छोड़ के नहीं जा सकते पेपर देने की इनको आप चलो ये नहीं पढ़ते ये नहीं आएगा, इनको आपको पढ़ के ही जाना है इन चीजों को जो भी लिखी है। खासतौर पे आपको डिफरेंस पढ़ के जाना है, पेप्टाइजेशन पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ के जाना है, ब्राउनियन मूवमेंट आपको पढ़ के, मतलब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, जनरली जब भी क्या होता है डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं तो वो क्या करते हैं और मूव करते दिखाई देते हैं, जिगजैग मोशन में दिखाई देते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इन चीजों को देखा था। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ के जानी है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी इस पीडीएफ पे फोकस्ड हो जाओ, आपको इस पे तो फोकस रहना ही, साथ में कुछ एस्पेक्ट जो आप पहले से ही पढ़ चुके हो उन पे एक नजर जरूर मार के जानी है, मतलब इनको करके जाना है और उनको देख कर जाना है, इतना कह रहा हूं बस। ये चैप्टर 5 से था। चैप्टर 6 है आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। इसमें से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनके लिए पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप प्री बोर्ड वाला पेपर देख लीजिए, अपना नहीं गवर्नमेंट वाला, हाफ ईयरली का देख लीजिए और सैंपल पेपर देख लीजिए। इतने में अगर देख लोगे तो जो क्वेश्चंस उसमें हैं उन्हीं में से आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको मन नहीं मानता कि नहीं हो सकता और कहीं से आ जाए तो इंपॉर्टेंट और देख लीजिए, किसका, मरकरी का, लेड का, MG का, ZN का और कॉपर का, ठीक है। और कुछ प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन देख लीजिए, जनरली लैंग्वेज के फॉर्म में बनाकर दे देता है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, इनमें से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। ये चैप्टर 6 की बात थी। चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले तो मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मेरे जो 3 लेक्चर्स हैं आई होप आपने देखे होंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको सेंड कर चुका था, और उन 3 लेक्चर्स में मैंने पी ब्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, चाहे वो हाइड्राइड्स हो, चाहे उसके ऑक्सो एसिड्स हो, चाहे कुछ भी हो, हर तरह का कॉन्सेप्ट उसमें डाला हुआ है। अब आपको अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, तो फिर से वही पैटर्न, हाफ ईयरली देखोगे ही, प्री बोर्ड देखोगे ही और सैंपल पेपर तो देखोगे ही। ये 1 मार्क्स के लिए, 1 वर्ड के लिए बात करें तो जनरली 1 वर्ड और मैचिंग के लिए पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मूला ऑक्सो एसिड्स का, इन्हीं के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग क्या है, हाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है ज्यादा। तो क्लोरीन हेलोजन के केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और हेलोजन के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, या फिर ओवरऑल कहूं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है क्या, फ्लोरीन। अब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 8 मार्क्स का है इसके अंदर, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक नजर इस पे मार लेते हैं, एक नजर इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनका सबका सोल्यूशन आपके पास वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में पहले से ही है। करा व्हाई हैलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का। दूसरा ये इंपॉर्टेंट था सैंपल पेपर के हिसाब से, प्री बोर्ड के हिसाब से, कि ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर ऑफ बाई Cl2 इज परमानेंट व्हाइल ब्लीचिंग ऑफ SO2 इज टेम्परेरी। तो Cl2 की वजह से परमानेंट क्यों है और SO2 की वजह से टेम्परेरी क्यों है, जनरली इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्लावर मेंशन नहीं करेगा तो ब्लीचिंग जनरली पूछ लेगा, अकेला भी पूछा जा सकता है, तो Cl2 और SO2 वाला क्वेश्चन आई थिंक लेक्चर नंबर 2nd या 3rd में है, वहां पर मिल जाएगा। और अमोनिया के बारे में कह रहा है कि अमोनिया इज लिक्विड व्हाइल अदर हाइड्राइड्स आर गैसेस, व्हाई, तो अमोनिया लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फ्लोराइड फ्लोरिन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल अदर हैलोजन शोज +1 +3 +5 +7, व्हाई, बिकॉज फ्लोरीन के पास क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसका स्मॉल साइज है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शो करता है, इसलिए ज्यादा बॉन्डिंग नहीं करता, जबकि अदर हैलोजन क्या करते हैं, उनके पास डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, थोड़े साइज भी बड़े होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, इसकी वजह से ये सब क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF एंड हायर देन HCl, व्हाई, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि HF के अंदर क्या होता है बताओ जरा, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में रहता है और
जनरली उनमें इंटरेक्शन ज्यादा रहते हैं, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एक और क्वेश्चन, H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S गैस, व्हाई? तो H2O लिक्विड और H2S गैस क्यों है, तो इसका भी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको ट्रिक बताई गई है कि अगर आपको कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाना हो तो आप फोन लगाओगे, क्या लगाओगे, फोन लगाओगे, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं एलिमेंट्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता कहीं भी। तो जिनमें भी फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, इंक्लूडेड हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तो वहां पर हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नोट लगा हुआ है, माय 3 वीडियो लेक्चर्स इज सफिशियंट फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिए वो 3 वीडियो, मैं हर बार बोलता हूँ, जब से मैं आपको ऑफलाइन भी पढ़ा के आया हूँ तब से बोल रहा हूँ, अभी भी वही बोलूंगा। अभी तक नहीं देखी है जिस किसी ने भी, तो देख लीजिए, लिंक डली हुई है आपके ग्रुप में, उससे आप विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ सर्च कर दीजिए कैमवर्ड बाय दीपेंसर, या फिर कैमवर्ड सर्च कर दीजिए, मैं वहां पे मिल जाऊंगा। और ऐसे ही फॉर्मेट में, जो बोर्ड अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ऐसे में फॉर्मेट में ही थंबनेल होगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक, 5 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन लाइक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जैसे, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा, चलो। ओके, तो डी ब्लॉक्स के अंदर जनरली यहां पर इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, और मैंने लगा रखे हैं। तो डिफरेंस जनरली क्या है, समझ के चलते हैं, डिफरेंस हम कैसे समझेंगे, कैसे बात करेंगे डिफरेंस की। तो पहला डिफरेंस है बिटवीन लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जनरली ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और दो सीरीज होती है, उन्हीं में से दोनों है, ये एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। लेंथेनाइट की बात करें तो दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ऑलमोस्ट जो लेंथेनाइट्स है उनमें सब में सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन है, डिफरेंस खत्म होने के बाद बताना, जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अलावा किस नाम से जानते हैं? एक्टिनाइड क्या है? तो कह रहा है वेरिएशन देखने को मिलता है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में। लेंथेनाइट्स के अंदर हाई बाइंडिंग एनर्जी होती है, जबकि एक्टिनाइड के अंदर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम होती है, बाइंड ही नहीं करते जनरली। कह रहा है दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +4 तक लेंथेनाइड शो करते हैं, और एक्टिनाइड्स +7 तक शो करते हैं, क्योंकि एक्टिनाइड्स के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। करा एफ इलेक्ट्रॉन हैव बेटर शील्डिंग इफेक्ट, और एक्टिनाइड्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब जनरली जो एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्डर ही होते हैं, लेकिन जो अंदर आने से रोक दें उनको क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। लेंथेनाइड की बात करें तो कह रहा है द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड, मतलब लेंथेनाइड के अंदर जो पैरामैग्नेटिज्म है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन एक्टिनाइड्स वाले केस में ये जनरली चीजें क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ऐसी चीजों को हम एक्सप्लेन हार्डली फॉर्म करते हैं, एक्टिनाइड्स कॉम्प्लेक्स ही बनाते रहते हैं, बनाते हैं जिनका स्ट्रक्चर ही क्या होता है। अगर हम बात करें तो कह रहा है एक्सेप्ट प्रोमिथियम ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव, प्रोमिथियम के अलावा सारे नॉन रेडियोएक्टिव हैं, जबकि एक्टिनाइड्स में बात करें तो जितने भी हैं सबके सब रेडियोएक्टिव हैं, ठीक है? मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो पूरे एफ ब्लॉक के अंदर प्रोमिथियम ही है जो रेडियोएक्टिव नहीं है, बाकी सारे क्या है, एक सेकंड उल्टा हो गया, जनरली लेंथेनाइड के अंदर प्रोमिथियम है जो रेडियो एक्टिव है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, और एक्टिनाइड्स में सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, ऐसा बोलना चाहिए। लेंथेनाइड क्या है, कह रहा है दियर कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, इनके कंपाउंड लेस बेसिक हैं, जबकि एक्टिनाइड्स के क्या है, मोर बेसिक है। ये 8 डिफरेंस है जिनमें से आपको कोई से भी 5 याद रखने हैं, ठीक है? इसलिए ऐसा वाला पिक्चर लगाया हुआ है जिसमें बिल्कुल वन लाइनर है जिसको आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी आपकी परीक्षा दिन में लिखे हुए हैं वहां से भी याद रख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मेट में भी एक डिफरेंस याद रख सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला। तो ये पहला इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में डिफरेंस। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बताओ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है इनर ट्रांजिशन के अलावा? रेयर अर्थ मेटल। वेरी गुड, रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि ये इजीली अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं।
अब बात कर लेता है डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बीच में भी डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ज्यादा चांसेस किसके हैं? लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स के हैं। रेयर चांसेस हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बीच में। तो डी ब्लॉक में क्या है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। एफ ब्लॉक में क्या है, एफ सेल में, सब सेल में जाता है, आप सब ऑर्बिट में जाता है। लास्ट एन एंड लास्ट बट वन एन माइनस वन ऑर्बिट इन अनकम्प्लीट। मतलब क्या है कि जो आपकी एन है और आपकी एन माइनस वन है वो इनकम्प्लीट होती है। जनरली आपने देखा होगा क्रोमियम के केस में एन एस वन होता है, कॉपर के केस में एन एस वन होता है, अदर में एन एस टू होता है। जबकि अगर एलिमेंट्स की बात करें तो लास्ट बट वन एन माइनस वन एंड एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट इज आर अनकम्प्लीट। मतलब अंदर से अंदर वाली ऑर्बिट क्या होती है, इसमें इनकम्प्लीट होती है। इसमें सबसे बाहर वाली भी और उसके अंदर वाली भी इनकम्प्लीट होती है, इसमें पेनल्टीमेट के अंदर भी एंटी पेनल्टीमेट भी इनकम्प्लीट होती है। अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल, और इनकी बात करें तो ये एफ ब्लॉक लेस स्टेबल है। कह रहा है डी ब्लॉक की, तो कह रहा है नेचर इन नॉर्मल क्वांटिटी, मतलब ये नेचर में बहुत ही नॉर्मल क्वांटिटी में मिल जाते हैं, और जबकि रेयर क्वांटिटी में मिलते हैं एफ ब्लॉक, इसीलिए इनको रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहला रीजन है कि एस ब्लॉक एलिमेंट से पी ब्लॉक एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन है वो डी ब्लॉक से होकर जाता है, इसलिए ट्रांजिशन है। दूसरा, जिनके अंदर भी क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब ट्रांजिशन के अंदर ही एफ ब्लॉक आते हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक की बात करें तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के अंदर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, क्योंकि इसके पास ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं बॉन्डिंग करने के लिए डी ब्लॉक के कंपेयर में। तो ये डी और एफ ब्लॉक में भी आपको कम डिफरेंस जनरली देखकर चलना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, 5 नंबर में, जैसा कि एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटलिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट और कैटालिटिक नेचर, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जिनमें ज्यादा चांसेस किसके हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी के, मेटलिक प्रॉपर्टी के, कैटालिटिक और ऑक्सीडेशन नेचर के। एटॉमिक रेडियाई मे बी और मे नॉट भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए 5 की 5 इंक्लूडेड की गई है कि अगर वो एक एक मार्क्स में भी डिवाइड कर रहा है तो भी यही 5 की 5 आ सकते हैं। ये आपके अध्ययन में भी दिया हुआ है, जनरली आप वहां से भी देख सकते हैं, परीक्षा बोर्ड से भी देख सकते हैं जनरली इसको। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। परीक्षा अध्ययन में शॉर्ट में दिया हुआ है और जनरली वही इनफ है लॉन्ग के लिए, जो शॉर्ट में दिया है वही इनफ है लॉन्ग के लिए, क्योंकि अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 2.5 ये हो जाएगा, 2.5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आप पढ़ लीजिएगा इसको, लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन को क्या होता है, इनमें स्टीडी डिक्रीज देखने को मिलता है एटमिक साइज में, जितना डिक्रीज होना चाहिए था उससे भी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो ये स्टीडी डिक्रीज जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि जो इनकी शील्डिंग है वो पुअर हो जाती है और आउटर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे एक शार्प डिक्रीज मिलता है, और इसी की वजह से लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की वजह से ही जनरली डी ब्लॉक में जो 3D 4D और 5D सीरीज है जनरली, या कहें 5D 6D सीरीज है, इनके एलिमेंट्स लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं, और लिखा हुआ है दैट सफिशियंट, इतने बहुत है, इन्हीं में से आएगा, जिनमें मोस्ट प्रोबेबल एक ये क्वेश्चन नंबर 3rd और एक क्वेश्चन नंबर 1st इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, इसमें से क्या आना है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। 1 मार्क्स में याद रखना ऑर्गेनोमेटलिक से जनरली कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वापस से मैं वही कहूंगा कि जो प्री बोर्ड है आपका परीक्षा अध्ययन है उससे देख लो, सैंपल पेपर है और हाफ ईयरली है उससे देख लो, दैट सफिशियंट। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। EAN नंबर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड रेयर चांसेस हैं, लेकिन फिर भी रखा हुआ है, और लिगेंड्स के बारे में, और हाँ लगाना भूल गया, जनरली वो पूछ लेता है या शॉर्ट नोट लिखने को दे देता है किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगेंड, इनके बारे में आप देखो, लिगेंड तो डाल ही दिया, एंटिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जनरली इनके बारे में पूछ लेता है, और उनसे भी इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है फिर, फुल फॉर्म ऑफ EDTA और उसके यूजेस। EDTA क्या फुल फॉर्म बताएंगे कोई, बिल्कुल इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट फुल फॉर्म है, स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, और साथ में इनके IUPAC नॉमनक्लेचर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं, इनको देख लेना एक बार,
बाकी अगर इनको देख लोगे, इनको सीख जाओगे तो बाकी भी आ जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है, इनको देखना ही देखना है। अभी आते हैं ऑर्गेनिक की, स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला है आपका हेलोएल्केन एंड हेलोवेरीन, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है। और 4 मार्क्स के कितने आने हैं जनरली इससे, तो एक ही आना है, और वो क्या हो सकता है, तो वो 4 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में भी आ सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन मेथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब वुड रिएक्शन पूछ रहा है लेकिन घुमा के पूछ रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना है कि इथाइल ब्रोमाइड कैसे रिएक्ट, इथाइल ब्रोमाइड जब सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इथाइल ब्रोमाइड एक्वस के वजह से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इथाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनाएगा, एक्वस की जगह एल्कोहलिक भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करना। अच्छा, एक्वस और एल्कोहलिक में मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक्वस के वजह लिया है तो क्या बनेगा, एल्कोहल या फिर एल्कीन, एल्कोहल। और अगर एल्कोहलिक लिया तो डबल बॉन्ड, वेरी गुड, डबल बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड फॉर्मेट में हो सकता है, हाउ टू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, डाइथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, इथाइल एसीटेट फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। तो ये जनरली रिपीटेड है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो एक बार आप इनको कर लीजिएगा, बताए जा चुके हैं, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, या फिर इसी को फॉर्मेट बना सकता है, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, दोनों में डिफरेंस याद रखना, मेन मेन पॉइंट जितने भी होते हैं। और हाँ, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक लाइन लिखी है, डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन एक बार में ही कंप्लीट कर लो, ठीक है, एक बार में ही सारी जितनी 22-23 जितनी भी है वो सारी कंप्लीट कर लो एक ही बार में, कर ही चुके होगे ऑलमोस्ट, कुछ भी पूछते हैं तुरंत ही लॉजिक लगना चाहिए कि क्या होना चाहिए इसकी जगह। अल्कोहल फिनॉल ईथर में जनरली आपको डिफरेंस ये रखना है, विक्टर मेयर मेथड के जरिए कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को, तो बताओ कैसे करोगे, पहले के एक के लिए बता दो, प्राइमरी के लिए बता दो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे प्राइमरी को। रेड कलर देता है, रेड कलर देता है, ठीक है, चलो कम से कम यही याद है, रेड कलर ऐसा ही रिएक्ट करा से HI देन AgNO2 से फिर HNO2 से फिर NaOH से, हां रेड फास्फोरस और I2 से रिएक्शन होगी, फिर AgNO2 से रिएक्शन होगी, फिर AgNO3 से होगी, फिर आपका HNO2 से होगी, और लास्ट में आप उसको किस में डालोगे, अल्कली मीडियम में डालोगे, तो आपको कैसा देगा, रेड कलर का देगा, प्राइमरी होगा, ब्लू कलर का सेकेंडरी होगा, और कोई भी कलर नहीं देता है तो वो क्या होगा आपका 3 डिग्री होगा। इसी तरह से आपको लुकास रिएजेंट याद रखना है। अच्छा, क्या है लुकास रिएजेंट जानते हो क्या, ZnCl2SCl, हाँ, लेकिन ये भी मेंशन करना है एनहाइड्रस ZnCl2 किसके साथ में, कंसंट्रेटेड HCl, और अल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस बार बार पूछता है तो एक बार इसको भी फोकस करना। इसके बाद हाउ टू ऑब्टेन में ये कराया हुआ है, इथेनॉल फ्रॉम डायथाइल ईथर, डायथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल, इथाइल एसीटेट फ्रॉम इथेनॉल, और इथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज। तो जनरली यहाँ पर एंजाइम बताओ क्या होता है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, जाइमेज, वेरी गुड, जाइमेज एंजाइम होता है, तो ये जनरली याद रखना, और साथ में ही इसकी नेम रिएक्शन। मैं नेम रिएक्शन को पर्टिकुलरली वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ भी पूछ जा सकता है, और जनरली जो रिपीटेड होती हैं वही आती हैं। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 मार्क्स 3 मार्क्स दोनों आने हैं, तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप इनको तो देखिएगा ही, बाकी तो नेम रिएक्शन मैंने पहले ही बोल रखा है, लेकिन इनको पर्टिकुलर देख करके जाना है आपको। अगर हम बात करें एमीन्स के केस में, तो एमीन्स के केस में नेम रिएक्शन है और साथ में ही है आपका वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन एथाइलामीन, एथाइलामीन और एनिलीन में दोनों में बेसिसिटी का कंपेयर है, तो एथाइलामीन के केस में NH2 के लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, जबकि एनिलीन के केस में ये लोन पेयर कहां चले जाते हैं, रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में चले जाते हैं। अगर हम बात करें रीजन की,
तो कुछ रीजन पूछा गया है, ये आपकी परीक्षा बोर्ड से क्वेश्चन उठाया था मैंने, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, आने के चांसेस बन सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड अगर डिजॉल्व होता है मिथाइल अमीन सॉल्यूशन में तो क्यों होता है और क्यों डिफिकल्ट है प्योर अमीन को बनाना एमोनियोलाइसिस करके अल्काइल हैलाइड से। और साथ में वन मार्क्स के क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ अमीन आना चाहिए, हेंसबर्ग रिएजेंट आना चाहिए, टीएनटी आना चाहिए ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो कि एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, और टीएनबी आना चाहिए जो कि एक्सप्लोसिव होता है। इसके साथ में ही बायोमोलिक्यूल के केस में डीएनए आरएनए में डिफरेंस, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ज्वेटर आयन। और साथ में वन मार्क्स के लिए वापस वही प्रीबोर्ड पर अगर हम बात करें पॉलीमर से रीड कर सकते हैं परीक्षा केमिस्ट्री एंड एंटी पायरेटिक ड्रग्स सल्फा ड्रग्स एंटी मार्क्स क्वेश्चन के लिए हाफ ईयरली प्रीबोर्ड सैंपल पेपर। और ये पूरी तरह से मैंने फिनिश कर दिया है आज अपना लेक्चर। थैंक यू ऑल, मेरी तरफ से मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप जैसे वो पुष्पा का डायलॉग भी है, क्या कहते हैं उसको, फ्लावर समझाए क्या फायर है अपन।